दबंगों ने भाजपा नेता व उनके परिवार के साथ खेली लाठी डंडों की होली। सदर कोतवाली थाना क्षेत्र के इंद्रनगर निवासी भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी, समृद्धि गैस एजेंसी के मालिक पर तथा उनके बेटे सहित परिवार के अन्य लोगों पर किया जानलेवा हमला। मामला जनपद के सरेनी थाना क्षेत्र का हमीर गांव का है, जहां होली के शुभ अवसर पर बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता अपने परिवार के संग अपने मूल निवास स्थान सरेनी थाना क्षेत्र के हमीर गांव गए हुए थे। तभी गांव में चल रहे होली मिलन समारोह में पाक के दौरान किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। वहीं गांव के कुछ दबंगों ने भाजपा के वरिष्ठ नेता विनोद वाजपेयी व पुत्र मानस वाजपेयी समेत आधा दर्जन से अधिक लोगों की लाठी डंडों से जमकर पिटाई की गई और जानलेवा हमला भी किया गया और इस हमले में गाड़ी भी तोड़ दी गई। इस खूनी संघर्ष में कई लोगों के सर फटे, सभी की हालत गंभीर बताई जा रही है, सभी का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी सरेनी थाना क्षेत्र की पुलिस मौके पर व जिला अस्पताल में दिखाई नहीं पड़ी। रायबरेली ब्यूरो हर्ष द्विवेदी की रिपोर्ट। भैया अभी कुछ लोग यहाँ पर आए हैं जो घायल अवस्था में आए हैं, जिनके साथ मारपीट जैसी घटना की गई है। चार लोग आए हुए हैं जो अभी सेकंड मीटिंग में भर्ती हुए हैं, जिनको चोट लगी थी, चोट होने के बाद उनको ऑलरेडी एडमिट किया गया, एडमिट करके उनका इलाज चल रहा है। अब ये पता चला कुछ मारपीट में झगड़ा हुआ है जिसको से चोटें आई हैं। अभी आगे जांच का विषय है, जांच होने के बाद ही पता चलेगा क्या कैसे। उनकी क्या कंडीशन इस समय? कंडीशन सीरियस ही है, तभी भर्ती किया गया। सीरियस पेशेंट को ही भर्ती किया जाता है, भर्ती का इलाज चल रहा है।